हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 का पार्ट 2 स्टॉर्म इन द गार्डन। अब स्टॉर्म मींस क्या होता है? आपने आंधी देखी होगी, जो मतलब आंधी चलती है, तूफान आपने देखा होगा, वैसी आंधी होती है जिसमें एकदम तेज़ी से हवा चलने लगती है और सब सारे ट्रीज उड़ने लगते हैं, है ना, वैसी एक आंधी होती है, उसे स्टॉर्म बोलते हैं। और वो कहाँ है? इन द गार्डन, मतलब गार्डन में आई है। तो ये एक लेसन इसी पे ही है, स्टॉर्म इन द गार्डन। सो सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द आंट्स। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म। ही इज हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल द सॉ एंड हर्ड। अब क्या बोला है, यहाँ पर एक स्नेल जो है वो अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड जो है, जो कि आंट्स थे, उसके फ्रेंड कौन थे? आंट्स से मतलब चींटियाँ थे, उनके पास खेलने गया। तभी वहाँ ज़ोर से तूफान आया। वो तेज़ी से अपनी मदर के पास गया और वहाँ पहुँचने पर उसने बताया कि वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा जो उसने अपने मदर को बताया होगा, तो उसके लिए हमको ये स्टोरी करनी पड़ेगी ना। तो अभी हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही। तो सुनो सुनो, दो स्नेल है। अब आपको पता है स्नेल किसे बोलते हैं? ये स्टोरी में आपको ये बड़ा सा जो दिख रहा है वो स्नेल होता है। अब स्नेल क्या होता है? जो एक छोटा सा एनिमल होता है, स्मॉल एनिमल विथ राउंड शेप, मतलब एक छोटा सा एनिमल होता है और उसके ऊपर जो ऐसा राउंड कलर का ऐसा शेप होता है। मेरे पास छोटा सा स्नेल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, कुछ इस टाइप का स्नेल होता है, जो एकदम इसके जो दो दुख यहाँ पे एंटीनाज निकले होते हैं, फिल्स निकली होती है, और उसके ऊपर ऐसा राउंड सा एक कवच होता है ना, जिसके अंदर वो छुप जाते हैं, कभी पूरा अपने आप को अंदर कवर कर लेते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का उसके ऊपर ऐसा राउंड शेप का एक कवच होता है, हाँ, जिसे स्नेल बोलते हैं। तो मेरे पास भी एक छोटी सी स्नेल है। तो एक बार जो है स्नेल का नाम क्या है? सुनो सुनो। तो वो एक बार अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है, जो कौन है? आंट्स है। अब आंट्स आपको पता है किसे बोलते हैं? जो चींटियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी चींटियाँ, जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रही होगी आपको, ये रही छोटी छोटी चींटियाँ आंट्स। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी चींटियाँ। ये देखो, कुछ इस टाइप की जो आंट्स होती है वो ऐसी होती है ना, और ये स्नेल, स्नेल कुछ इस टाइप के होते हैं और आंट्स कुछ इस टाइप की होती है। जो ये चींटियाँ जो ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है, यहाँ पे ब्लैक कलर की आंट्स है। सो एक बार जो स्नेल है, इस जो स्नेल है वो अपने फ्रेंड्स आंट्स से मिलने जाता है। तो जैसे ही वो उनसे फ्रेंड्स से मिलने जाता है, तो वो स्नेल आंट्स जो है वो स्नेल के ऊपर चढ़ जाती है ना, क्लाइम्ड ओवर, उसके उस सारी जो आंट्स है वो स्नेल के ऊपर चढ़ जाती है और क्या बोलती है? ही, मतलब हंसती है। फिर उसके नीचे भी चली जाती है, क्लाइम्ड अंडर मीन्स नीचे, उसके नीचे भी चली जाती है सारी चींटियाँ और ही मतलब हंसती है। फिर सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड हॉट द क्लाउड्स। सुनो सुनो, क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। अब क्या बोला है? सडनली मतलब अचानक एक वाइट लाइट क्रैश होती है, कहाँ, किससे होती है? क्लाउड से, अचानक से एक बादलों के बीच में से एक वाइट कलर की लाइट निकलती है। तो सब क्या होता है, जो सुनो सुनो है वो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सिट। तो आज ये स्नेल फिर क्या करता है, वो एकदम डर जाता है, अचानक से ऐसी लाइट्स निकलती है तो वो डर जाता है, तो अपने वो हेड को
और अपनी ये टेल को कहाँ छुपा लेता है, अपने स्नेल के अंदर छुपा लेता है। मैंने आपको स्टोरी के पहले बताया था ना कि स्नेल क्या होता है, इसके ऊपर जो कवच होता है, अगर वो अपने आप को ऐसे अंदर भी छुपा लेते हैं सब ऐसा अंदर घुसा के, तो जैसे वो एक लाइट अचानक से को एक वाइट लाइट निकली जो बादल को फाड़ रही थी, तो उसने क्या किया, सुनो सुनो क्विकली जल्दी से अपने हेड को, अपने सर को और अपनी पूंछ को अंदर कर लिया और चुपचाप बैठ गया। फिर आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट का का का। फिर आउटसाइड बाहर जो स्काई था वो कैसा था, डार्क था। डार्क मतलब जब आपने देखा होगा कि रोज जब आंधी आती तूफान होती तो लाइट हमारी चली जाती है ना, तो लाइट चली जाती तो अंधेरा हो जाता है एकदम, जो स्काई है वो एकदम डार्क हो जाता है ना, और कहीं पे भी लाइट नहीं रहती, तो वो ऐसे ही कुछ आउटसाइड स्काई में कुछ ऐसे ही माहौल था। और क्रोस क्या बोल रहे थे, क्रोस एकदम तेज़ी से उड़ रहे थे और क्या बोल रहे थे, का 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 बोल रहे थे। ओ बट वेर द आंट्स सुनो सुनो स्टक आउट हिज फील्स एंड लुक्ड फॉर देम, दे वेर हिडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। फिर जो आंट्स थे वो सोनू सोनू को देखते हैं कि वो कहाँ गया है ना, तो सोनू तो क्या कि अपने जो फील क्या, फिर सोनू सोनू जो अपने देखता है कि आंट्स कहाँ गए सारे के सारे, तो वो अपने 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 फील्स को निकाल के, फील्स मतलब इनके जो एंटीनास होते हैं ना उसको दो निकाल के वो देखता है कि वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे थे सारे आंट्स, दे वेर हिडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, तो वो कहाँ पे थे, एक फ्लावर पॉट था उसके अंदर छुप गए थे है ना। सो गो होम सोनू सोनू द आंट्स क्राइड आउट, हरी हरी योर मदर विल वॉरी। फिर वो आंट सोनू सोनू को क्या बोल रही थी कि चिल्ला के बोल रही थी कि हरी हरी तुम अपनी सोनू सोनू तुम अपने घर जाओ, अपनी मदर के पास जाओ, वो आपकी चिंता कर रही होगी, आप हरी हरी मतलब जल्दी से अपनी मदर के पास जाओ, वो आपकी चिंता कर रही होगी। तो सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो सोनू सोनू जल्दी से अपनी मदर के पास चला गया, तो उसकी मदर कहाँ पे थी, एक स्टोन था वहाँ, उस स्टोन के पास में एक वेल थी, वेल मीन्स दीवार थी, उसके नीचे उसकी मम्मी बैठी हुई थी। अम्मा सेट सोनू सोनू, फिर सोनू सोनू क्या बोलता है, अम्मा देर स्टॉर्म इन द गार्डन, आई हर्ड द विंड ब्लो ओ ओ ओ ओ। तो अपने मम्मा को वो तुरंत क्या बोलता है कि मम्मा गार्डन में क्या आया है, स्टॉर्म आया मतलब आंधी आई है, तूफान आई है और ज़ोर से हवा चल रही है। कैसे हवा चल रही है, एकदम हवा ज़ोर से बह रही है, और कैसे आवाज़ आ रही है, ओ ओ ओ ओ ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर आई सो ट्री स्वे शाय, और ट्री कैसे चल रही है, एकदम हवा तेज़ चल रही है, तो ट्री की आवाज़ कैसे, ट्रीज जितनी है उसकी आवाज़ कैसे आ रही है, एकदम शाय ऐसी आवाज़ आ रही है। आई सो लाइटिंग फ्लैश जैक, और लाइटिंग एकदम क्या हो रही है, फ्लैश हो रही है, एकदम चमक रही है एकदम, और आवाज़ क्या आ रही है, जैक आवाज़ आ रही है, एकदम लाइटिंग जो है वो एकदम से चमक रही है। आई हार्ड थंडर रोल है ना, गडाम गुडूम, और फिर बादलों में से कैसे आवाज़ आ रही है, थंडर में जो बादल की जो गड़गड़ाहट होती है उसे थंडर बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है, रोल कैसे आवाज़ आ रही है, धड़ाम धुड़ूम। आई हार्ड रेनफॉल, फिर क्या होती है, और बारिश होने लगती है। आई हार्ड रेन फॉल, सिटा पिटा है ना, रेन की आवाज़ कैसी आ रही है, एकदम तेज़ी से रेन गिर रही है, उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, सिटा पिटा है ना, ऐसे रेन भी गिरने लगी यहाँ पे, देखो उसकी आवाज़ ऐसी आने लगी।
आई हर्ड वाटर ड्रीप 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 प्लीप 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 प्लीप। फिर वाटर की जो गिरने की आवाज़ आ रही है वो कैसे आ रही है, एकदम एकदम ड्रीप 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 फ्लिप 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू सोनू हैड एवर बीन इन। सोनू सोनू क्या बोलता है कि ये मम्मा को बोलता है इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, मतलब ये सबसे बड़ा तूफान था जो मैंने देखा आज, है ना। ओ ओ शाय शाय जाक जाक गडाम गुडू में सॉरी आवाज़ आने लगी, है ना। सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा फ्लिप 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 ऐसी सॉरी आवाज़ जो थी वो तूफान में आने लगी। तो ये सॉरी जो बातें थी जो उसके उसने देखा गार्डन में स्टॉर्म में, वो सारी अपनी मम्मा को जाके उसने बताई। एंड डू यू नो वॉट, क्या आपको पता है, सुनू सुनू डिड नॉट गेट वेट। डू यू नो वाई, मतलब आपको पता है कि सुनू सुनू इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सुनू सुनू है वो भीगा नहीं। आपको पता है क्यों नहीं भीगा, तो मुझे बताओ कि स्नेल क्यों नहीं भीगा। सुनू सुनू जो स्नेल था वो इतनी बारिश हुई तो भी वो क्यों गीला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टोरी में जो स्नेल होते हैं उसके ऊपर ऐसा कवच होता है, तो जब भी कभी बारिश होती है या फिर कुछ होता है तो वो अपने हेड को अपने टेल को और सारे अपने पैर को इस ऊपर जो कवच है उसके अंदर एकदम छुपा लेते हैं। तो इससे जो सोनू सोनू था वो एकदम गीला नहीं हो पाया और उस गीला होने से उसको इसने कवच ने बचा लिया। तो यही थी आपकी स्टोरी। सो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो अच्छे से समझना इसके न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। स्नेल मैंने आपको बनाया, एक स्नेल एक छोटा सा एनिमल्स होता है जो उसके ऊपर जो शेप होता है वो राउंड होता है। फिर डार्क मतलब जब कभी लाइट चली जाती है फिर अंधेरा हो जाता है, फिर स्काई एकदम डार्क हो जाता है, जब कभी बारिश तेज़ होने लगती है फिर तूफान तेज़ आने लगता है तब। फिर क्या है, फिल्स, मैंने आपको फिल्स बोला जो आंट्स के और जो आंट्स के जो एंटीनास होते हैं ना निकले हुए ये रे, उसे क्या बोलते हैं, फिल्स बोलते हैं। फिर क्या है, स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स आंधी होती है, लाइटिंग मतलब लाइट, और थंडर मीन्स जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है उसे थंडर बोलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है वो वॉज सोनू सोनू। आप मुझे बताओ सोनू सोनू कौन था, तो सोनू सोनू वॉज अ स्नेल, सोनू सोनू एक स्नेल था। वो वॉज सोनू सोनू विजिटिंग, सोनू सोनू किससे मिलने गया, तो सोनू सोनू विजिटिंग हिज फ्रेंड्स आंट्स, अपनी फ्रेंड्स आंट से मिलने गया। फिर क्या है, वेयर वर द आंट्स हाइडिंग, मतलब आंट्स थे वो कहाँ पे छुपे हुए थे। सो द आंट्स हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, मतलब फ्लावर पॉट के अंदर नीचे वो छुपे हुए थे। डिड सोनू सोनू गेट वेट, मतलब सोनू सोनू क्या बारिश में भीगा था, तो बारिश में नहीं भीगा था ना। नो सोनू सोनू डिड नॉट गेट वेट, मतलब सोनू सोनू था वो भीगा नहीं था। फिर क्या है, लेट्स टॉक, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। चलो मुझे इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा जो मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे ना। अगर आप जाते हो तो आपको यस लिखना है, नहीं जाते हो तो नो लिखना है। फिर हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन, आपने गार्डन में कभी आंट्स देखी है, ऐसे आंट्स जो है वो आपने कभी गार्डन में देखी है, अगर देखी हो तो यस लिखो। वैसे तो सभी ने देखी होगी, छोटी छोटी चींटियां तो सबने देखी होगी, तो हमें इसका आंसर यस लिखना है। फिर वॉच शी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, अगर आपने देखा है कहीं ऐसी चींटियां को आंट्स को तो वो कहाँ जाती है ना। अगर आपको आंट्स को देखा है तो वो कहाँ जाती है, होल में जाती है ना। आंट्स जो होती है वो होल में जाती है, उन्होंने अपना होल बनाया होता है, और वो क्या लेके जाती है, तो आपको वो देखना है कि आंट्स जो है वो कहाँ जाती है और अपने साथ क्या कैरी करके ले जाती है, क्या लेके जाती है अपने साथ। फिर क्या है, टीम टैंक, डू यू नो वाई यू शी स्नेल्स एंड अर्थ वर्म आफ्टर इट रेन्स, सिट इन द ग्रुप एंड डिस्कस। अगर आपने कभी स्नेल्स यानी ये जो मैं सेल्स में और अर्थ वॉर्म वो भी एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, अगर उसको जो आफ्टर रेन कभी कभी जो रेन के बाद जो है वो सारे ये इंसेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपने देखा हो तो उसके साथ ग्रुप में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर आपको डिस्कस करना है। फिर क्या है,
Let's try it. Look at the pictures and complete the sentence. Pick the right word from the box. आपको कुछ यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं और नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है. आपको पिक्चर्स देख के बताना है कि उसमें ये कौन सा फील होगा. सबसे पहले इसके मीनिंग बता देती हूँ. इन का मतलब होता है अंदर. कोई चीज़ अंदर होती है तो वो इन हो जाती है. ऑन का मतलब होता है ऊपर. कोई भी चीज़ ऊपर रखी हो तो वो ऑन हो जाती है. अंडर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे होना. बिहाइंड मीन्स कोई चीज़ पीछे होती है, फिर पीछे कोई कुछ होता है तो उसे बिहाइंड बोलते हैं. बिहाइंड मीन्स पीछे. ओवर मतलब किसी ऊपर, ऊपर से कोई चीज़ के ऊपर से जाना, उसे क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है. अब मैंने आपको बताया यहाँ पे एक वॉल है, उसके ऊपर से कैट जा रही है. द कैट इज जंपिंग ब्लैंक द वॉल्स. अब मैंने बोला कोई चीज़ ऊपर से हम जंप करते हैं या फिर कोई चीज़ ऊपर से जाती है तो उसमें क्या होता है, ओवर होता है. क्या फील करेंगे, ओवर. द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल. द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स. कैट कहाँ पे है, मैंने आपको बोला कैट बॉक्स के अंदर है. द कैट इज इन द बॉक्स. मैंने बोला था अंदर के लिए इन यूज करना चाहिए. फिर यहाँ पे जो कैट है वो डोर के पीछे है. द कैट इज ब्लैंक द डोर. तो मैंने पीछे के लिए कौन सा आपको बताया था मीनिंग, बिहाइंड. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बिहाइंड. ओके. अब ये कैट है वो टेबल के नीचे है. अब नीचे के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, अंडर. द कैट इज अंडर द स्टूल. अंडर हो गया. अब क्या है, ये कैट ये बैग के सूटकेस के ऊपर है. तो ऊपर के लिए मैंने आपको कौन सा वर्ड बोला था, ऑन. सेंटेंस क्या होगा, द कैट इज ऑन द स्टूल, ऑन द सूटकेस. फिर यहाँ पे आपको एक छोटी सी पोएम दी गई है. लेट्स सिंग. आउट इन द गार्डन ईच फाइनी डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले. मतलब एक अच्छे से डे में मैं कहाँ जाता हूँ, गार्डन के अंदर जाता हूँ विथ माई बॉल, और बॉल के साथ जाता हूँ. आई लाइक टू प्ले मतलब मुझे खेलना पसंद है. फिर आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइनी डे. मतलब हर अच्छे दिन पे मैं क्या करता हूँ, अपने बॉल को बाउंस करता हूँ. ऐसे बाउंसिंग करते ना बॉल को, बास्केटबॉल होती है तो वो बॉल को बाउंस कर रहा है. फिर क्या है, आउट इन द गार्डन ईच फाइनी डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले. फिर गार्डन में मैं कभी जाता हूँ फाइनी डे में तो मैं क्या ले जाता हूँ, काइट ले जाता हूँ, है ना, काइट ले जाता हूँ. मुझे आई लाइक टू प्ले मतलब मुझे काइट उड़ाना पसंद है. आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइनी डे. मतलब मुझे क्या हो रही है, मेरी कैट, मेरी जो काइट है वो फ्लाई कर रही है ना. और हर फाइनी डे में, हर अच्छे डे में मैं कैट उड़ाता हूँ और गार्डन में खेलने जाता हूँ. मुझे खेलना पसंद है बॉल से, काइट से. तो इसके, इसी के रिलेटेड ये छोटी सी एक पोएम थी. फिर आपका यहाँ पे आपको लेस प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे आपको कुछ कर्सिव राइटिंग के वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ये आर ए एन ई, रेन है, ट्री है, कोट है, शिप है, फील्ड है एंड प्ले है, है ना. ये सारे वर्ड आपको यहाँ पे ट्रेस करने हैं अच्छे से. तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 का पार्ट 2 भी फिनिश होता है. जो हमने प्यारी सी स्टोरी थी उसके क्वेश्चन आंसर करे, हमने एक्सरसाइज करी, ये सारे ग्रामर वर्ड, ग्रामर का टॉपिक है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, उसको हमने फिल किया. और यहाँ पे लास्ट में एक छोटी सी पोएम थी. तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. थैंक यू.